2 जून 1995 की दोपहर गर्म थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि उत्तर प्रदेश की सियासत। मायावती के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई थी और इसी खलबली का नतीजा बना लखनऊ गेस्ट हाउस कांड, जिसे हिंदुस्तान की सियासत में कभी भुलाया नहीं जा सकता। गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। अचानक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक हुजूम उनके कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में तोड़फोड़ करते हुए मायावती के साथ बदसलूकी भी की गई। मीटिंग में मौजूद विधायक भी मायावती को बचाने की बजाय अपनी जान बचाते हुए फरार हो गए। पर तभी अपनी जान जोखिम में डालकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी कमरे के अंदर दाखिल हुए और मायावती की जैसे तैसे जान बचा सके। पर अब राजनीति का घिनौना रूप देखिए। 1995 में जिस समाजवादी पार्टी से मायावती की जानी दुश्मनी हो गई थी, वो अब अटूट रिश्ते में बदल चुकी है। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। और बुरे वक्त में जो बीजेपी मुख्य संरक्षक बनकर साथ खड़ी थी, आज उसे मायावती अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। अति महत्वाकांक्षी मायावती ने गेस्ट हाउस में हुए अपने अपमान को भुला दिया है और अखिलेश को साथ लेकर भविष्य की राजनीति तय करने निकल पड़ी। देखते हैं छल कपट की राजनीति में कब कौन किसे मात देता है।